पुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसायदनादरण्यम् मायामृगमदयितये सितमन्वधावदम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपीतैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते काषायमयज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा शोध्वपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ति रक्षहस्ति कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्ने प्रशान्ते भृतजलममलन्दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वकसेनसूरिः पदकमलयुगं श्रेयसेशं श्रयामि बलियज्ञनारायण भगवान् की श्री गुरुदेव भगवान् आइए बड़ी ही श्रद्धा भाव भक्ति से समन्वित होकर के प्रभु चरणों में अनुराग बढ़े प्रेम बढ़े इस भावनाओं से भावित होते हुए गोविंद नाम स्मरण सभी करतल ध्वनि करते हुए यानी ताली बजाते हुए हम कीर्तन करें अपने वाणी और मन को पवित्र करने के लिए। Yeah.
श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर खिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा भरणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम कर्तुम अनिथा कर्तुम सर्वसमर्थवान चिदचित विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के युगल पाद पद्मों में अनंतानंद श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए परमाराध हृदयाराध प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में प्रणिपात नमन करते हुए श्रद्धा भाव भक्ति से समन्वित होकर के विगत लगभग 5 महीने से भगवत कथा का रस स्वादन कर रहे क्षेत्र के दूर दराज के गांव से आसपास के गांव से नगर बस्ती से पधारे हुए समस्त भगवत भागवत आचार चरण चंचलित धर्मानुरागी सज्जनवृंद सीता सावित्री अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली व अनुकरण करने वाली श्रद्धामय वात्सल्य देवियों कथा में आई हुई रस स्वादन कर रहे विद्वत वृंद संत वृंद वैष्णव वृंद एवं भक्त वृंद बड़ी पावन सुंदर चर्चा भजन अमृत के आनंद ले रहे थे श्री पंडित श्री शेखर शास्त्री जी महाराज श्री विजय राघव स्वामी जी महाराज यज्ञानुष्ठान में लगे समस्त जो है यज्ञ कार्यकर्ता बंधु वृंद आइए चरणार संहिता के माध्यम से कल हम सभी लोगों ने ये बात श्रवण किए थे पृथ्वी जी महाराज की चर्चा हुई परिचिताओं की चर्चा हुई परिचिताओं ने जीवन में यज्ञ किया अप्रचिताओं के यहाँ जाके पुरंजनों पाख्यान दिवर्षी नारद जी महाराज ने सुना हमारे कहने का भाव इतना है हम अपने जीवन में धर्मानुष्ठान को क्यों किया करते हैं धार्मिक कार्य करने का उद्देश्य क्या हम यहाँ आए हैं कथा सुन रहे हैं कथा का उद्देश्य क्या है और बिना उद्देश्य के बिना लक्ष्य का यदि कोई कार्य किया जाए तो सफलता नहीं मिल पाती व्यक्ति लक्ष्य तक तो नहीं पहुंच पाता है इसलिए ये तो वही बात हुई बोले कहाँ जा रहे हो कथा में जा रहे हो क्या सुन रहे हो कथा सुन लो लाभ क्या है बोले लाभ तो होता वगैरह तो नहीं ये तो वही बात है मानो कोई यात्रा कर रहा है पूरा विचार लगा पड़ा है बैग में सामान झोला घोड़ा डाल करके और किसी ने पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हो बोले जा रहे हैं अरे कहाँ जा रहे हो अरे चल तो नहीं दिख नहीं रहा है अरे जाना कहाँ है पहुंचना कहाँ है पहुंच कर करना क्या है ते बोले कि हमको ये पता आजकल ऐसी ही स्थिति श्रोताओं की होगी याद रखना हम कथा में जा रहे हैं यज्ञ में जा रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं संत दर्शन का लाभ ले रहे हैं फेरी कर रहे हैं लेकिन पूछो कि उद्देश्य क्या है बोले कि हमको पता नहीं तो समझो कि हम यज्ञ परिसर में जाए कथा में जाए तो संकल्प को लेकर के जाए हम आज की कथा सुनेंगे तो कथा सुनने के बाद में हमारे जीवन में ये जो कमियां हैं उसको दूर करने का हम प्रयास करें ये बात है तो हमारी कथा में आना सफल है और नहीं तो मैं नहीं मानता हूं समय बड़ा बहुमूल्य है याद रखिए इसको ऐसे व्यतीत कर देना ये तो वही बात हुई आहार निद्रा भयमय थुनम च सामान में तत् पशुर्भि नराण धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभि समान हम तो मनुष्य तो हम यहाँ आए
धर्म की दृष्टि से आए, कल्याण की दृष्टि से आए, लेकिन मार्ग बताने वाला सही होना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान का उद्देश्य ये होता है, हम जो यज्ञ करें हमको शांति मिले, यज्ञ हो से कल्याण हो, यज्ञ हो से हमारा वृद्धि हो, यज्ञ हो तो उन्नति हो, यज्ञ हो तो मोक्ष हो, यज्ञ हो तो स्वर्ग मिले, और फिर वो भी बात नहीं तो फिर क्या। इसलिए प्रचेताओं को प्राचीन बलि की चर्चा करके देवर्षि नारद जी ने सुनाए, आगे चर्चा किए थे। प्रियव्रत जी महाराज भी, महाराज मनु के कहने के बावजूद भी घर छोड़ करके देवर्षि नारद के आश्रय लिए, गुरुजन के आश्रय लिए। एक बात याद रखिए, नारद जिसके जीवन में मिले हों उसके जीवन में नारायण की प्राप्ति जरूर होगी। वो ध्रुव हो तो, प्रहलाद हो तो, या फिर और कोई हो, अग्निद्र की बात ले लो, चाहे प्रियव्रत की बात ले लो, नारद जी जिसको मिले हैं तो नारायण का साक्षात्कार हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना नारद के नारायण मिलने वाला नहीं है, बिना संत के भगवंत मिलने वाले नहीं है। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे महात्मा मिल गए, महात्मा से संबंध हो गया, लगाव हो गया, तो ये बात गांठ बांध लेना कि भगवान हमको जरूर मिलेंगे। हो सकते कि इस जन्म में नहीं मिले, लेकिन अगले जन्म में तो निश्चित है कि मिलेंगे। इसलिए संत संगति बड़ा अनिवार्य है। तो आज नारद जी ज्ञान दे रहे, तो एक बात क्या बताओ, संतों का काम है ज्ञान देना, ज्ञानार्जन करना, अज्ञान को बांटना, मतलब स्वयं भक्ति करना, भक्ति कराना, अच्छे काम करना, अच्छा दान कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान दिलाना, ये सब संत का काम है। भगवत सेवा कहीं कभी करना साधु का काम है। तो देवर्षि नारद जी महाराज को बड़ा आनंद आ रहा था, बैठकर कथा सुना ही रहे थे, प्रियव्रत जी महाराज कथा सुन ही रहे थे। लेकिन बात कहूं, आज इस पंडाल में लोग आए हैं और आएंगे भी, लेकिन सही में इस पंडाल में वही व्यक्ति आ सकता है इस पर या तो संत की कृपा हो जाए या फिर भगवंत की कृपा कर दे, तो हम आ सकते हैं। और हमारे जीवन में दोनों में किसी की कृपा नहीं है तो हम यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। ये सुनिश्चित हुआ, निश्चित होगा कि हम यहाँ पर आए हैं तो ईश्वर कृपा या संत कृपा, यही संग आवत अधिक कठिन आए। गोस्वामी जी महाराज बोले कि इसमें आना बड़ा मुश्किल है, बड़ी कठिन है आते। तो यदि कोई प्रपत्ति, कोई शरणागति, कोई भजन, कोई कुछ कर रहा है, ईश्वर कृपा है। और आज बताऊंगा, यही मान करके प्रियव्रत जी ने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मैं जो है भगवान का भजन करूंगा। और एक बात और बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि बारे मथे गुरु हो ही कृत सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न तरी है भव, यह सिद्धांत यपे। बड़ी बड़ी बातें हमसे बनाते हैं, गोस्वामी जी महाराज अनुभव बात कहा है, लिखा है कि हे संसार के प्राणियों, हे मानो, हे मनुष्यों, कान खोल के सुन लो। बोले क्या बताइए कि बारी मथे गुरु हो ये कृत, जन्म देंगे तो जल को मंथन करने से क्या निकलेगा, घी यानी लैनी निकलेगा। अब जरा विचार करें, क्या जल का मंथन करने से घी निकलता है, नहीं निकलता है। अरे घी तो छीर में होता है, घी तो छीर में होता है, दूध में होता है, हाँ? गोस्वामी जी महाराज बोले कि मैं मान लेता हूं, पर चलेगा कि पानी के मथ करके विज्ञान आगे बढ़ गया है, विज्ञान प्रोग्रेस किया है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ा है, पानी से घी निकाल और सिकता से बरुते, सिकता बालू से, बालू से हो सकता तेल निकालने असंभव है, कभी भाई ये तो वही वो बात, खम पुष्पम जैसे आकाश का पुष्प
होता है क्या? वो स्वामी जी बने के होश बसे तो आकाश में पुष्पि ही हो जाए। हमने खरगोश का सिंह नहीं देखा है, बोले कि माँ ने खरगोश के सिंह भी उठाए। जल से लोग घी निकालते हैं, बालू से तेल निकालते हैं, लेकिन इस दास का कथन है, गोस्वामी का कथन है कि बिन हरि भजन न तरी ही भव। यह सिद्धांत या फिर बिना भगवान के भजन के भव सागर पार। लाख प्रयास, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा शरीर लगा दो, लेकिन बोले कि नहीं हो सकता बिन हरि भजन। यह सिद्धांत या फिर मैं राधे के साथ पढ़ता हूँ। ऐसी बात को लेकर के ईश्वर ने कृपा किया तो प्रिय व्रत वहां बैठे थे और बैठ करके रचना लिख का आनंद ले रहे थे। अब ब्रह्मा जी आकर समझा दे, मैं कल बताया था ना, देखो जितेंद्रिय व्यक्ति है तो घर में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नहीं पाए हैं इंद्रियों का स्वामी नहीं तो बने हैं, इंद्रियों को जो दास बन चुके हैं वो प्रिया घर क्या बन का पहाड़ में भी चले जाए तुमको भगवान मिलने वाला। और इंद्रियों का स्वामी बनकर के घर में रहेंगे तो वहां भी ईश्वर मिल जाएगा। इसलिए तो राम जी ने कभी देखो मंदिर में जाने का नियम कुछ और है, विद्यालय में जाने का कुछ नियम और है, कोर्ट कचहरी में जाने का कुछ नियम और है, घर में रहने का नियम कुछ और है। उसी प्रकार से देखो हम मंदिर में जब जाते हैं, हम कथा में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो वहां का नियम कुछ और होता है। तो यहाँ का नियम क्या है महाराज? गोस्वामी जी महाराज बोले कि राम दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते हो क्योंकि बैनर लगा कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मन निर्मल होगा तो आओगे मेरे पास, मन निर्मल नहीं होगा तो राम जी मिलने वाले। अच्छा सही बताऊं कितने शुद्ध मन है जरा विचार करो। हम तो मन मैला हो गए, भला ही कथा पंडाल बैठे हैं, मैं पूरा गुणा गणित कर रहा हूँ यहीं पर बैठे बैठे। शुद्ध मन, सात्विक मन, स्वस्थ मन, स्वच्छ मन, पवित्र मन किसी का होता है। कथा पंडाल में भरे भरे हजारों लोग हैं, लेकिन सही बात है यहाँ जो बैठे हैं ये स्वस्थ मन नहीं है। कहो क्यों? एक बात क्या है, स्वस्थ मन जो होता है ईश्वर में लगा रहता है, स्वस्थ मन जो है धर्म काम में लगा रहता है, लेकिन जो मन बीमार हो जाता है वो मन विषय में लग जाता है, संसार में लग जाता है। तो मन कहाँ लगा है? संसार में लगा है, भोगों में लगा है, वासनाओं में लगा है, गलत काम में लगा है। तो समझना कि हम तन का ही रोगी नहीं है, मैं मन का भी तो रोगी हूँ। लेकिन कथा जब सुनने लगेंगे तो कथा सुनने के बाद में धीरे धीरे मन पवित्र हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है। इसलिए मन स्वस्थ हो जाता है, बात ध्यान रखना। रावण बड़ा शक्तिशाली है भाई, बहुत संपन्न है, स्वस्थ है, निरोगी है। किसका निरोगी है? बोले कि शरीर का निरोगी है। शरीर का रोगी रावण नहीं है, लेकिन रावण मन का रोगी जरूर था। अब मन के रोगी रावण होने की वजह से कितने देवांगनाओं को, कितने देव पत्नियों को सबका अपहरण किया और लाश में नहीं रह गया तो माता जगदम्बा सीता का हरण कर लिया। इसका मतलब कि मेरा सोच परस्त्री के प्रति, पर धन के प्रति, पर द्रव्य के प्रति यदि हमारा झुकाव है तो समझना चाहिए कि मैं मन का रोगी हो गया हूँ, मैं मन का बीमार हो गया हूँ। अब मन बीमार है लाख प्रयास कर लो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मन ही मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयोः। मन ही व्यक्ति का बंधन का कारण, मन ही मोक्ष का कारण होता है। इसलिए मन शुद्ध हो जाए तो ब्रह्मा जी महाराज बोले कि वने पितोषा प्रभवन्ति रागिणः गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते विवृत्तरागस्य गृहं तपोवनं। बेटा
पहले तुम घर में रहो, घर में रहो क्या करो, यह शर्त शपथ ना सब जिगी समाड़ो, गृहे सुनिर्विश्य यते तपुरवम अत्ये तुतुरगाश्रित मूर्जितानीले छेड़े सुकामं विचरे विपश्चितम। जैसे राजा होते हैं ना, राजा अपने महल में रहता है, राजे अपने किले में रहते हैं, अब किले के सहारा लेकर के राजा समस्त शत्रुओं को समाप्त कर देता है। बोले कैसे बता दे, अच्छा युद्ध किले के सहारे से राजा ना हो, अब बाहर निकल जाए मैदान में तब तो चारों ओर से शत्रु आक्रमण कर लेते हैं और मार ही डालेंगे, लेकिन चारों ओर से राजा सुरक्षित रहता है, परकोटाएं हैं, दीवारें खड़ी हैं, न पीछे से कोई बार कर सकता है, न कोई आगे से बार कर सकता है, इधर भी सैनिक, इधर भी इधर स्वयं राजा वहां बीच में खड़ा है, युद्ध हो रहे हैं। तो नीचे वाला जो है, महल के नीचे वाले, प्रकोटा के बाहर वाले, वो एक नहीं सौ नहीं हजार की भी संख्या में आ जाए तो मारा जाता है, लेकिन जो भीतर महल में रहता है वो बच जाता है। तो जैसे राजा किले के सहारा लेकर के शत्रुओं पर जीत कर लेता है, शत्रुओं को हरा देता है, उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम एक किले के समान है। कौन कहता है कि गृहस्थ आश्रम बेकार चीज है? लिखा धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम, कौन सा धन्यो गृहस्थ आश्रम, यहाँ विरक्त आश्रम की बात नहीं कही है, संन्यास आश्रम की, बोले कि धन्यो गृहस्थ आश्रम का मतलब ये है, गृहस्थ के जीवन में देखो खेती व्यापार नौकरी चाकरी भजन पूजन पाठ कृषि आदि करते हुए, बच्चों का भरण पोषण करते हुए, बच्चों का शिक्षण शिक्षित करते हुए, अब गृहस्थ यदि चाहे तो घर में रह करके मुक्ति बना सकता है, कोई कौन पता है? जो गृहस्थ 24 घंटे में 4 घंटे का समय ईश्वर के लिए निकालते हैं, याद रखना। हमने जो गृहस्थ आश्रम माने कि पढ़ने के लिए नौकरी लग गई, जॉब हो गई, पैसे कमाने लगे और शादी कर लिए, बच्चे पैदा हो, बच्चे हो गए, अब बच्चे पढ़ गए, मकान बनेगा, गृहस्थ आश्रम पूरी, इस गृहस्थ आश्रम की चर्चा नहीं की है शास्त्रों में। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को उसकी चर्चा की है, खेती व्यापार नौकरी भरण पोषण करते हुए प्रतिदिन जो 4 घंटे का समय ईश्वर का निकाल करके जो भजन करता है वही गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, और नहीं तो फिर वो भवकुप के समान है, कुएं के समान है। इसलिए शत्रु बार नहीं कर पाते हैं, तो हम घर में रहते हैं, अब घर में रहकर के यह सट सपतना तबेगी समाड़ो, 6 शत्रु ने बताया था ना, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, काम हमारा शत्रु है, लोभ हमारा शत्रु है, मोह हमारा शत्रु है, अहंकार हमारा शत्रु है, ये ईर्ष्या हमारी शत्रु है, आदि सब शत्रु है। तो हम शादी विवाह इसलिए करते हैं कि जब मन भटकता हो, मन में विषय आ जाए, मन का भटकाव होने लगे, तो सदगृहस्थ आश्रम पत्नी के पास रहकर के मन पर नियंत्रण काबू करना, मन को नियंत्रित रखना, इसलिए गृहस्थ आश्रम है, याद रखना। और सदगृहस्थ आश्रम की शिक्षा जो लेनी है तो राघव राम से लिया जाए, याद रखना। राम जी के पास बड़ी एक सुंदर स्त्री आई थी जिसका नाम था सुपर्णखा, सुपर्णखा, और सुपर्णखा आई और आकर के राम जी से बोले, क्या बात है, देख करके बड़ी प्रसन्न हो, बात कितना सुंदर पुरुष है, चलो चलती हूँ। और राम जी के पास आई, राम जी के पास जैसी आई वो कह दिया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारे, तुम सम पुरुष। देख करके सुप्रभा बोले कि आप जैसा पुरुष हमारे जैसा स्त्री,
ब्रह्मा जी भी आश्चर्य की राक्षसी है, लेकिन जानती है कि उनके समान पुरुष, अरे राम जी पुरुषोत्तम, राम जी तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष है। इसलिए बात तो सही कहा, लेकिन दूसरी जो बात कही कि मौसम नारी, हमारे समान कोई स्त्री नहीं है, तो ब्रह्मा जी महाराज माथा ठोक लेंगे भगवान। ये बगल में जगदम्बा सीता बैठी पड़ी है, ये कितनी सुशील माता हमारी सुंदर है, और देखो तो ये अपने को सुंदर कह रही है। तो राम जी बोले, सुपर्णखा क्यों झूठ बोल रही हो, क्यों हमको भटका रही हो? तो राम जी ने क्या के पता है, सीता चीताए कही प्रभु बाता। राम जी ने सीता जी को देखा, देखो कौन आया है, सुपर्णखा आई है, सुंदरी आई है, राम जी से मिलने के लिए आई है, और है भी। लेकिन राम जी की दृष्टि कहां पड़ी, बात किससे कर रहे, सुपर्णखा से बात कर रहे हैं, लेकिन सुपर्णखा से बात कर रहे हैं, राम जी देख किसको रहे हैं, सीता मैया को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम गृहस्थ हैं, हम विवाह शादी कर लिए हैं, और हमारे जीवन में कोई भी स्त्री आ जाए, याद रखना, तो हमको उसकी वो नहीं देखना है, देखना है तो अपनी पत्नी को देखना है, तब जाकर के श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम लेता है।